प्रदेश में उच्च न्यायालय के आदेश पर कांगड़ा जिला पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल व अतिरिक्त जिला कांगड़ा मजिस्ट्रेट मस्तराम भारद्वाज ने नूरपुर के गांव खुबाड़ा में मृत बच्चों के परिवार के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को सुना। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की ये पहली घटना थी जो 2 माह पहले हुई थी, जिससे एक निजी स्कूल की बस स्कूल से बच्चों को घर ले जाते समय चेली नामक स्थान पर लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण 700 मीटर गहरी खाई में पलट गई, जिसमें घायल कुछ बच्चों को नूरपुर अस्पताल में ले जाते वक्त मौत की गोद में सोना पड़ा और कुछ घायल बच्चों को इलाज के लिए टांडा या पठानकोट भेजा गया। आज कांगड़ा एसपी ने मृत परिवार के सभी सदस्यों के साथ बाड़ा में बातचीत की। सभी उपस्थित इन परिवार के लोगों ने सैनिक विक्रम के नेतृत्व में आस्था जताते हुए एसपी के समक्ष प्रकरण की जिम्मेदारी दी। विक्रम ने एसपी के समक्ष ये रोष जताया कि बस हादसा हुए 2 माह के करीब हो चुके हैं, लेकिन नूरपुर पुलिस व प्रशासन ने अभी तक इस हादसे में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। एसपी के आदेशों के बाद भी आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही धरातल पर देखने को नहीं मिली। यदि आपकी पुलिस इंसाफ नहीं दे सकती तो आप ये केस सीबीआई को देने के लिए प्रेषित करें। विक्रम ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि मंगत नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन आज तक वो मृत परिवार के लोगों से नहीं मिल सका। जो एफआईआर मृत परिवार के लोगों ने पुलिस को पंजीकृत करने को दी, उसको दर्ज करना तो दूर की बात, उस पर गौर तक नहीं फरमाया गया। आज तक नूरपुर पुलिस निजी स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। जैसे हम हाईकोर्ट में पहुंचे थे, मैं एक इंडियन आर्मी में सोल्जर हूं और मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट आता हुआ सीधा कोर्ट में पहुंचा, शिमला गया था कि अभी तक जितनी भी कार्रवाई हो रही है बिल्कुल उससे हमें संतुष्ट नहीं है। नूरपुर में जाते हैं तो हमारे एक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और एक मंगत राम है जिसके ना कोई बच्चा एक्सपायर हुआ है ना कुछ, उसकी एफआईआर लॉन्च की जाती है। आज 2 महीने हो गए हमारी कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई अभी तक, एक जनरल डायरी तौर पे लिखा जाता है। फिर हम धर्मशाला जाते हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, उन्होंने हमारे विश्वास दिलाया कि हम 5-7 दिन में के अंदर कुछ कार्रवाई करें, कुछ कार्रवाई में टाइम लगेगा। हम मान गए सर, हम 12 दिन वेट किया, 12 दिन में उनका एक बार नूरपुर में आए, वो नूरपुर के बाद एसएचओ को मैसेज दिया इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बोला कि 5-7 दिन हो गए सर, उन्होंने भी कार्रवाई, लास्ट में हम जब परेशान हो गए बिल्कुल दुखी हो गए, कहीं से भी हमें सहायता नहीं मिल रही है, तो हम लास्ट में जाके उच्च कोर्ट में गए हैं जहाँ मेरे को मौका मिला गया जज साहब के सामने अपनी बात रखने का, पूरी बात रखने, हमने अपनी पूरी बात जो जो हमारे साथ हुआ है घटना हुई है हमने अपने 5 पॉइंट रखे गए हैं, पूरी बात बताई है और उन्होंने हमारा विश्वास दिलाया है कि इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई अमल किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रधान शक्ति सिंह के खिलाफ भी उन्होंने काफी सबूत दिए। आज तक पंचायत प्रधान भी मृत परिवार के लोगों से इस दर्दनाक घटना का दुख नहीं जता सकी। वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग की कारगुजारियों पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। एसडीएम द्वारा की गई जांच पर भी उन्होंने एक पक्षीय बताकर अपना रोष जताया। देख सकते हो कि मैं शिमला में गया था कोर्ट में, तो उस टाइम मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था कि आपके साथ में जितने भी बच्चे परिवार हैं जिनके बच्चे एक्सपायर हो, क्या आपके साथ चले हुए हैं, वो इधर क्यों नहीं आ रहे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो सर मैं आज ये दिखाना सकता है, आप सामने देख सकते हो कि जितने भी परिवार है वो सब वही हैं जिनके बच्चे एक्सपायर हुए हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हो कि जे मेरे साथ चले हुए, आप लोग मेरे साथ चले हुए हो, तो आप देख सकते हो कि जे पूरे परिवार हमारे साथ में चले हुए हैं, आज तक हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं मार्ले कर रहा है, आप खुद देखते हो जिसमें हमने सीबीआई मांग किया, अभी कोर्ट के ऊपर पूरी आस विश्वास लगा के बैठे हुए। क्या आप देख सकते हो कि इनके हालात देखो, आप ये अपने काम कार छोड़कर 2 महीने हो गए, इनके घरों में दिल नहीं कर रहा, इनके परिवार में कुछ नहीं बचा हुआ है अभी भी, ये सब कुछ इतने दुखी है, इनके हालात देख सकते हो, लेकिन इतने पुलिस प्रशासन इतनी शर्म नहीं है कि इनकी एक बार भी इनकी बात की सुनिए, हमारे एफआईआर लोन तक नहीं कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं इनके साथ में नहीं चले हुए, ये ऐसे झूठे हैं। और एक प्रधान को फोन किया है जिसका नाम उप प्रधान गोगा और जो ऊपर बड़े प्रधान है, जो कि खुद प्रजान प्रधान है, उसकी बहु प्रधान है, उनको फोन आया है, उन्होंने प्रोग्राम रखा है चेली में। सर हमें जज साहब का आदेश मिला था कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और कुछ ऐसी बात नहीं करना है, शांति से अपनी बात रखने पूछने, हम शांति स्वभाव के लिए इधर सभी इकट्ठे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने उधर प्रोग्राम बनाया, उधर क्या वो राजनीति खेल रहे हैं, जो कुछ पुलिस के बंदे नूरपुर के आ चुके हैं उनके फोन आ रहे हैं कि आप पहले इधर आओ फिर नीचे मौका देखें उसके बाद बात करें। सर आप खुद देख सकते हैं उधर जाने का मतलब कोई राजनीति पॉइंट, उधर इनके बहुत राजनीति पॉइंट है, जिनके बच्चे एक्सपोर जो बात करने जिनके लिए वो मिलने आ रहे वो इधर बैठे हैं और वो लोग उधर प्रधानों को लेकर प्रधान अपने बंदों कुछ नियुक्त बंदों को इकट्ठे करके उधर बैठे हुए हैं और उसकी बहु प्रधानी है जो कि एक बार पहले केस तक देखने की नहीं आई है, जो कि सपोर्ट दूसरे बंदों का कर रही है, जिसको कि हमने खुद देखा इन बंदों के साथ में बैठे हुए प्रचंडे की, तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे साथ में कितनी राजनीति खेली जा रही है। तो हम सर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जितने भी हादसा हुआ शिकार बच्चे हुए हैं उनको इंसाफ मिले, इसके बीच में कोई भी राजनीति ना खेली जाए, बच्चों को इंसाफ मिले। और सर आज तक हमारे बच्चों के बारे में किया भी क्या है ना, तो इन्होंने उसके PW के बारे में कोई जानकारी मिल रही है और ना ही डंगे के बारे में और ना ही बस प्रशासन के बारे में कोई, और मंगत राम के बारे में भी, वो तो रोज नूरपुर में बैठा हुआ है, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। सर आप बताओ हमारे बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा।
ऐसे तो बोलते हैं कि ड्राइवर सो गया रास्ते में, ड्राइवर रास्ते में सो सकता है ये बताओ आप? पहले थोड़ी दूर पहले बच्चों को बैठाता है, आगे उतारता है, उसके थोड़ी दूर और बच्चे बैठते, तो ये बताओ कि उन्होंने जो भी कुछ बोला है गलत, तो बच्चों को इंसाफ तो कैसे मिल सकता है? यही है हमारे सर, आज तक हमारे बच्चों के बारे में किया भी क्या है ना, तो इन्होंने उसके PW के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, और ना ही डंगे के बारे में, और ना ही बस प्रशासन के बारे में कोई, और मंगत राम के बारे में भी, वो तो रोज नूरपुर में बैठा हुआ है, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। सर आप बताओ हमारे बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे तो बोलते हैं कि ड्राइवर सो गया रास्ते में, ड्राइवर रास्ते में सो सकता है ये बताओ आप? पहले थोड़ी दूर पहले बच्चों को बैठाता है, आगे उतारता है, उसके थोड़ी दूर और बच्चे बैठते, तो ये बताओ कि उन्होंने जो भी कुछ बोला है गलत, तो बच्चों को इंसाफ तो कैसे मिल सकता है? यही है हमारे। कांगड़ा जिला SP ने परिवार के लोगों को यह आश्वासन दिया कि इस दर्दनाक घटना का दुख उन्हें भी काफी है, लेकिन इस संकट की घड़ी में हाईकोर्ट के आदेश पर SDM कांगड़ा के साथ आया हूं। मौके पर उपस्थित SP ने उन्होंने नूरपुर पुलिस प्रशासन, नूरपुर DSP नवदीप सिंह को मृत परिवारों के समक्ष निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर विक्रम सिंह द्वारा जो लक्ष्य तथ्य मुझे दिखाए गए हैं उनको आधार मानकर कार्यवाही की जाए, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मौके पर विभिन्न अधिकारियों सहित कई गणमान्य शख्सियतें मौजूद रही। नूरपुर से भूषण शर्मा। एक आदेश है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे मिलें सबसे, तो उन सबसे हम यहाँ पे मिले हैं, और हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप चाहें तो हम इंडिविजुअली सबके घर में भी जा सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आगे हैं, इन्होंने हमारी अपनी समस्याएं बताई, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, कुछ इनसे जो है वो इनके अदरवाइज कंसर्न हैं फाइनेंशियल चीज़ों से लेके या रिहेबिलिटेशन को लेके, वो चीज़ें हैं। कई कई लोगों का तो ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं दो हैं तो दो का ही लॉस हो गया है, और आगे उनका इस तरह से कोई आगे बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है। तो इस संबंध में मैं और ADM साहब आज यहाँ पे आए हैं, तो जो 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 इस संबंध में आगे की हमारी तरफ से कार्रवाई बनेगी डिफरेंट लेवल से, सारी कार्रवाई विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग करेंगे, और माननीय न्यायालय के आदेश की भी कंप्लायंस करेंगे। नूरपुर से भूषण शर्मा। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.